जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी छात्रों के लिए जो SSC GD 2021 के लिए पेपर क्वालिफाई हो चुके हैं और फिजिकल देने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि 15 मई से फिजिकल स्टार्ट है SSC GD के, 15 मई से। तो पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि SSC GD में अब आपका फिजिकल के समय आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। मैं आपके लिए बता दूं कि पिछली बार जो 2018 की वैकेंसी थी उसमें आप जैसे छोटी छोटी गलतियां करने के कारण लगभग 452 विद्यार्थी फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले ही रिजेक्ट हो गए थे। ऐसी गलती आप ना करो, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं। अंत तक देख लीजिए, आपके जीवन का सवाल है भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका फिजिकल टेस्ट, आप सभी को पता है कि लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग, 24 मिनट का समय, ये आप कर लोगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा आपका सीना 80 से 85 सेमी होना चाहिए और वजन नॉर्मल आपके शरीर के अनुसार। हाइट जनरल कैटेगरी 170 सेमी रहती है, बाकी छूट के अनुसार अलग अलग कैटेगरी वाइज रहती है। लड़कियों के लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है, ये कर लोगे। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है SSC GD में। पिछली बार जैसे मैंने बताया कि ये 400 विद्यार्थी वो नहीं जो पहले बार हुए, नहीं, फाइनल मेरिट में रहे ये, यानी जब फाइनल लिस्ट आई थी उसके 10 दिन पहले इनके घर पर रिजेक्शन लेटर गए थे। अब वो क्यों गए थे, उसके पीछे रीजन, ये फिजिकल के समय आपके जो डॉक्यूमेंट जमा होते हैं यही एक रीजन है। साथ ही एक चीज और बता दूं लाडलो मैं आपको कि अभी इस समय यानी 15 मई से हमारा SSC GD 2023 के लिए गारंटी बेस शुरू होने वाला है। तो जो बच्चा SSC GD 2023 की तैयारी करना चाहता है, जिसको लगता है मेरा नंबर कम है, या उसका साथी कोई तैयारी करना चाहता है, तो उससे पहले आप कमांडो अकेडमी कुचामन सिटी उसको भेज सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर नीचे दिए गए हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ नेवी, एयरफोर्स और NDA के लिए गारंटी बेस शुरू हो गए हैं। तो लाडलो अगर सिलेक्शन नहीं होती है इनमें तो 100% फीस वापस है नेवी, एयरफोर्स और NDA में। तो जितने भी बच्चे या आपके आसपास के कोई भाई बंधु तैयारी करना चाहते हैं नेवी, एयरफोर्स और NDA की, तो आप उसे बोलिए कि गारंटी के साथ 100% फीस वापस, और वो भी लिखित गारंटी है भाई। अब मैं आपको बता दूं इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 15 मई से दोनों के दोनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली बात, 10th क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल बिल्कुल आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। साथ ही 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार आपका डोमिसाइल, जिसको मूल निवास बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात को, जिसको मूल निवास बोलते हैं, सेम इसी मार्कशीट के अनुसार, यानी आपका जो नेम है वो इनमें सेम होना चाहिए जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूं। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी वालों के लिए ओबीसी, एससी वालों के लिए एससी, एसटी वालों के लिए एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस। ये तीन तो मुख्य डॉक्यूमेंट्स। हाँ, इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड की जरूरत नहीं होती, आधार कार्ड में भी आपका नाम सेम होना चाहिए। अब यहां पर एक चीज बताऊं कि आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है इसका नाम और आपने जो फॉर्म भरा था उसका नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसके अलावा जो मूल निवास है लाडलो, मैं बता दूं आपको, हाँ, ये कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा, ध्यान रखना, ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है तो वो लगेगा। मूल निवास ये आपके जिले को प्रदर्शित करता है। आपने फॉर्म भरते समय ध्यान रखना, आपने जिस जिला जो भराया है फॉर्म भरते समय, अगर मान लीजिए आपका जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट चूज किया है उसी डिस्ट्रिक्ट का मूल निवास होना चाहिए। इसी कारण पिछली बार लड़के बाहर हुए थे, क्योंकि उन्होंने जब फॉर्म भरा था तब डिस्ट्रिक्ट कुछ और बताया, और जब सब ये फॉर्म वहां पर दिखाए, यानी जब ओरिजिनल कॉपी इन्होंने ले जाके वहां पे वेरीफाइड कराई, तब उनके पास में किसी और डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट था, जिसके कारण उनको रद्द कर दिया गया है। तो ध्यान रखना, 10th क्लास की मार्कशीट पहला डॉक्यूमेंट, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉर्म के अनुसार होनी चाहिए, नाम फॉर्म के अनुसार होना चाहिए, फादर नेम फॉर्म के अनुसार होना चाहिए, माता पिता की कोई भी आईडी नहीं लगेगी, ध्यान रखना, माता पिता की कोई भी आईडी नहीं लगेगी, इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें जैसे 10th क्लास की मार्कशीट आ गई, 12th क्लास की मार्कशीट का कोई काम नहीं है, आप ना भी लेके जाओ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, और लेके जाते तो अच्छी बात है। तो 10th क्लास की मार्कशीट, आपका मूल निवास, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। इनमें जो नाम है, नाम की स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ, ये बिल्कुल आपने जो फॉर्म में भरी थी उसी समय। साथ ही एक चीज विशेष करके ध्यान दीजिए, आपका जो सिग्नेचर है, यानी जो भी आपका सिग्नेचर है वो बिल्कुल जब आपने फॉर्म भरा था जैसा किया था वैसा ही सिग्नेचर करना है। क्यों? क्योंकि कई बच्चों के देखना, आप जब जाओगे तो आप खुद देखोगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका
फिंगरप्रिंट मिसमैच होगा यानी मैच नहीं होगा, तो उस समय लास्ट डिसीजन आपका सिग्नेचर करता है, इसलिए सिग्नेचर सेम ही करना जो आप करते आए हो। ये विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखिए। अब इसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत उसका सॉल्यूशन के साथ अगला वीडियो बना दूंगा। लाडलो, जय हिंद जय भारत।